जी तो क्या हाल चाल है आप सभी के, एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, तो आप सभी का मध्य प्रदेश की धरती से आप सभी का स्वागत करते हैं। हर अड़चन से अगर आप आते हैं तो आपको ऑटो का किराया पड़ेगा मात्र 20 रुपये और आप मैहर मंदिर के पास पहुंच जाएं। तो आज हम दर्शन करने आए हैं माँ शारदा का और आपको भी कराएंगे दर्शन अपने साथ। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं इस जर्नी को, एक नए जर्नी को। अगर अभी तक आपने हमारे जो है पटना कोटा का ब्लॉग नहीं देखा है, अगर आपने RJP हावड़ा का ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। और चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और हम जो हैं बहुत दिनों के बाद पहुँचे हैं कहाँ, मैहर देवी का दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माई का हार नाम से यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है और उसी को हम लोग मैहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। अगर आप मैहर में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है रहने और नहाने और लैट्रिन बाथरूम जाने का मात्र 10 रुपये लगेंगे और आप आराम से यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और पूरी तैयारी नहाने के बाद हम लोग जो है अब जा रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए। हम लोग जाने वाले हैं रोपवे से, आप देख सकते हैं हमने टिकट ले ली। आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए हम रोपवे से जाएंगे। यहाँ सीढ़ियों से भी आ सकते हैं लेकिन हमने जो है रोपवे का सहारा लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। चलिए रोपवे पर सवार होते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से दिखाते हैं पूरा नज़ारा मैहर मंदिर का। तो रोपवे के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और जल्द हमारी बारी भी अब आने वाली है रोपवे पर जाने के लिए। तो चलिए हमारा रोपवे जो है शुरू हो चुका है और आपको दिखाते हैं अब चलते हुए का बेहतरीन सीन। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों के बाद आज माँ शारदा का दर्शन करने के लिए निकले, आखिरकार पहुँच चुके हैं। पर्वत ऊपर राउर दरे बार बाए माई, कि हम कैसे के आई हो, कि हम कैसे के आई हो, छोटे छोटे पावे हमार, हम कैसे के आई हो। पर्वत ऊपर राउर दरे बार बाए माई, कि हम कैसे के आई हो, कि हम कैसे के आई हो, छोटे छोटे पावे हमार, हम कैसे के आई हो। और हम लोग जो है काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं। और गाना आपको कैसा लगा, अगर गाना अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ का जो व्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ग्रीनरी काफ़ी खूबसूरत है। और यही बात करते करते हम लोग अब बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे माता रानी के भवन के पास में। भैया माँ शारदे के द्वार में और आपको कराते हैं दर्शन माँ शारदे का। तो चलिए बने रहिएगा और रोपवे देख सकते हैं ऊपर किस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए करते हैं दर्शन, आपको कराते हैं आज पटना से चल के आज मैहर तक का सफ़र में आप सबको दिखाते हैं। तो हम भी लाइन लग चुके हैं अब और आपको कराते हैं माँ शारदे का दर्शन। और हमने भी प्रसाद ले लिया है और ये प्रसाद मुझे पड़ा मात्र 300 रुपये का। और आप देखिए एक बार लाइन का नज़ारा, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है क्योंकि भैया माता रानी का दीदार ऐसे ही नहीं होता है, थोड़ी कठिनाइयाँ तो उठानी पड़ेगी। जी हाँ, थोड़ा आगे हम लोग बढ़े हैं अभी और सामने आप देख सकते हैं आपकी जो मन्नतें हैं आप यहाँ पर चुनरी को बांध करके अपनी मन्नत मनवा सकते हैं। और लाइन आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है काफ़ी धीमी गति से। अगर आप लाइन में हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और सामने आप देख सकते हैं बाहर का व्यू आप किस तरह का दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर दृश्य जो है दिखाई पड़ रहा है बाहर का। और देख सकते हैं सारे लोग लाइन लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये माता रानी का एक काफ़ी
बेहतरीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर आल्हा उदल जो आ करके हैं वो पूजा करते हैं। जी हाँ, मतलब कि वो लगभग 3 बजे शायद माता रानी को पूजा करते हैं और उसके बाद ही मंदिर को खोला जाता है। मतलब तब तक का बाहर का एक व्यू देखिए किस तरह से दिखाई पड़ेगा। और लीजिए, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और सामने से आप देख सकते हैं माता रानी का मंदिर, जो कि आपको काफ़ी प्यारा सा दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी खुले आकाश के नीचे काफ़ी हम लोग ऊपर तक आ चुके हैं। जी हाँ, और एक सामने देखिए आप लाइन कितना लंबा लगा हुआ है। जी हाँ, अभी मुझे लाइन लगे हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, मैं 2 बजे लाइन लगा था और अभी लगभग 4 बज चुके हैं और अभी तक भी लाइन जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और ये सामने आपको रहा माता रानी का भवन माँ शारदे का, जो कि आप टीवीओं पर देखा करते थे और मैंने आपको साक्षात दर्शन कराया। और ऊपर से एक व्यूज आपको दिखाता हूँ, ऊपर से देखिए जो आप ये देख रहे हैं वाइट ये सब घर हैं, काफ़ी छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब काफ़ी छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। और ऊपर आप देखिए, हम जो यहाँ से आपको दिखा रहे हैं लाइन, देखिए लाइन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर ऊपर में जो है नारियल जो है ना फोड़ें और कभी भी माँ के आंगन को जूठा ना करें, मतलब यहाँ पर कुछ खाने पीने का जो सामग्री है वो सब ना खाएं और बीच लाइन में कभी ना घुसें। जी हाँ, और हम लोग आ चुके हैं माता रानी के द्वार से, बस कुछ ही दूरी पर है, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं लाइन कितना लंबा लगा हुआ है, माता रानी के सारे बच्चे माँ से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। जी हाँ, माता रानी से भेंट करने के लिए मैं भी बेचैन हो रहा हूँ और आगे जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग बेचैन हैं कि माता रानी का एक दर्शन हमें कब दिख जाए। जी हाँ, बस एक दर्शन पाने के लिए हम लोग जो है इतनी दूर से पटना से चल करके मैहर पहुँचे आप सबको घुमाने के लिए। और बस कुछ दूरी पर ही है माता रानी का दीदार होना, आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब अंदर चलेंगे और माता रानी का दर्शन हम लोग को हो जाएगा। जी हाँ, और हम लोग अंदर आ चुके हैं और अब माता रानी का हमें दर्शन होने ही वाला है। जी हाँ, माँ शारदे का दर्शन कर लिया है और अंदर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इस कारण मैंने आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं किस तरह का व्यू आ रहा है माँ शारदे का मंदिर का। चलिए, दर्शन हो गया और अब नीचे चलते हैं। माई के सिंगार देखी मन हर से, साचहू के देख लेती दिल तर से, भक्ति के देख रंग बरसे, माई के मंदिर में भक्ति के देख रंग बरसे, माई के मंदिर में। तो माँ शारदे का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें। और आपको दिख रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 71% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। भैया इतना अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाते हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब तो करें। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने भाई के साथ यहीं सुंदर सुंदर ब्लॉग का आनंद उठाते रहें और हमारे साथ माँ शारदे का तो दर्शन आपने कर ही लिया। तो मिलते हैं और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए